हाय गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी नंबर सिस्टम का है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स सच दैट 2^m - 2^n इज इक्वल टू 960, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एम। तो ये एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोगों को एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू निकालेंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। हम लोग का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2^m - 2^n इज इक्वल टू 960, ठीक है। तो इससे देखो, इसमें एक टॉपिक क्या है जो एकदम दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि 2^m में से -2^n हो रहा है, तब जो डिजिट आ रही है वो 960 आ रही है, ठीक है। तो 2^m शुड बी ग्रेटर देन 960, ठीक है। 2^m शुड बी ग्रेटर देन 960, क्योंकि ये कुछ बड़ा होगा 960 से, तभी ना बड़ा होगा तो उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो 960 आ रहा है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा होगा इससे। अगर तुम ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे समझो एक्सप्रेशन से कि अगर यहाँ 2^m है इज इक्वल टू 960 + 2n, 2^n लिखेंगे ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इक्वल कब होगा, जब 2^m अकेले 960 से बड़ा होगा, तभी ना उसमें कुछ 960 में भी एडिशन होगा कुछ, तब जाके 2^m की वैल्यू बनेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये तो था समझने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि 2^ ऐसा क्या वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू, जो कि 960 से ज़्यादा होगा। तो 2^10 करके देखना, तो उसमें होगा 1000। 2^10 की वैल्यू होती है 1024, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये तो हम लोग को 2 की पावर पता चल गई, ठीक है। 1024 है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे करोगे, सेम इस एक्सप्रेशन से। तो अगर 2^m, ये है 2^m, ठीक है। 2^ तो 1024 - 2^n इज इक्वल टू 960। सो 1024 - 960 इज इक्वल टू 2^n, ठीक है। 1024 - 960 विल बी 64 इज इक्वल टू 2^n। 64 टू 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 2^6 इज इक्वल टू 2^n, ठीक है। अब यहाँ से पावर पावर इक्वल हो जाता है, n इज इक्वल टू 6। तो सिर्फ आंसर में सिर्फ यही था कि हम लोगों को सिर्फ m की वैल्यू निकालनी थी, तो m की वैल्यू ये होगी 10, और n की भी अगर वैल्यू अगर पूछता तो n की वैल्यू होगी 6, ठीक है। अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो कर लो 1024 - 960, 64 - 64 विल बी 960, ओके।